पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। पुलिस दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय पुलिस लाइन में मौजूद हैं। लखनऊ से आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आज पुलिस दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस लाइन में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि परेड मैदान के दाहिने किनारे और दर्शक सीधा के बाएं किनारे की ओर से रक्षक दल द्वारा राष्ट्रीय पुस्तिका से सम्मान लाई जा रही है। आप सभी आगंतुक अतिथिगणों से अनुरोध है राष्ट्रीय पुस्तिका के सम्मान में दर्शक सीधा में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए एवं वर्दित हमारे अधिकारीगण सैल्यूट करें। शोक पुस्तिका में दर्ज है पूरे भारत में कर्तव्य पालन के दौरान वीर गति को प्राप्त हमारे बहादुर साथियों के नाम। इसमें दर्ज एक एक नाम समय के भार पर किया ऐसा हस्ताक्षर है जो सदैव अमिट रहेगा अमर रहेगा। आज आज पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ की पुलिस लाइन में मौजूद हैं। आपको बता दें कर्तव्य निर्वहन के दौरान प्राण गंवाने वाले पुलिसकर्मियों की याद पर पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया जाता है। आपको बताते चले इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी शहीद पुलिस कर्मियों के परिवार को आज सम्मानित भी करेंगे। और एक आपको बता दें इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आपको हम दिल्ली से दिखा रहे हैं। आज पुलिस स्मृति दिवस है जिसको लेकर के अपनी जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों को याद किया जा रहा है। लखनऊ से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय पुलिस लाइन में मौजूद हैं। शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के पुलिस लाइन में पहुंच चुके हैं। लद्दाख क्षेत्र में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक टुकड़ी
देश की सीमाओं की सुरक्षा में लगी थी। अचानक शत्रु सेना ने उसे घेर लिया, परंतु हमारे 10 जवानों ने अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए मातृभूमि की रक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए कर्तव्य पथ पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन्हीं वीर सपूतों की याद में सभी प्रदेशों की पुलिस तथा सभी केंद्रीय संगठनों में प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर हम शहीद परिजनों को याद करते हैं, नमन करते हैं एवं अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। विगत वर्ष संपूर्ण भारतवर्ष में कुल 264 पुलिसजनों ने कर्तव्य की वेदी पर प्राणों की आहुति दी। इनमें उत्तर प्रदेश के 9 पुलिसजन सम्मिलित हैं। मैं आपके समक्ष अब उनका राज्यवाद संगठनवाद विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। आंध्र प्रदेश 3, अरुणाचल प्रदेश 2, बिहार 9, छत्तीसगढ़ 25, हरियाणा 2, झारखंड 8, कर्नाटक 17, मध्य प्रदेश 7, महाराष्ट्र 5, मणिपुर 2, पंजाब 2, राजस्थान 2, तमिलनाडु 3, त्रिपुरा 2, उत्तराखंड 6, पश्चिमी बंगाल 11, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2, दिल्ली 11, जम्मू एवं कश्मीर 12, असम राइफल्स 3, सीमा सुरक्षा बल 25, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 7, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 29, फायर सर्विस सिविल डिफेंस एवं होमगार्ड 4, भारत तिब्बत सीमा पुलिस 18, गृह मंत्रालय 9, रेलवे सुरक्षा बल 14, सशस्त्र सीमा बल 15। उत्तर प्रदेश में विगत एक वर्ष में जो 9 पुलिसजन वीरगति को प्राप्त हुए हैं, अब मैं उनके नाम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वर्गीय श्री देवेंद्र मिश्रा पुलिस उपाधीक्षक जनपद कानपुर नगर, स्वर्गीय श्री अनूप कुमार सिंह उप महानिरीक्षक नागरिक पुलिस जनपद कानपुर नगर, स्वर्गीय श्री महेश कुमार यादव उप निरीक्षक नागरिक पुलिस जनपद कानपुर नगर, स्वर्गीय श्री नेहूलाल उप निरीक्षक नागरिक पुलिस जनपद कानपुर नगर, स्वर्गीय श्री जितेंद्र पाल आरक्षी नागरिक पुलिस जनपद कानपुर नगर, स्वर्गीय श्री सुल्तान सिंह आरक्षी नागरिक पुलिस जनपद कानपुर नगर, स्वर्गीय श्री राहुल कुमार आरक्षी नागरिक पुलिस जनपद कानपुर नगर, स्वर्गीय श्री बब्लू कुमार आरक्षी नागरिक पुलिस जनपद कानपुर नगर, स्वर्गीय श्री जितेंद्र कुमार मोरे मुख्यारक्षी नागरिक पुलिस जनपद अमेठी। मैं इन दिवंगत पुलिसजनों को समस्त पुलिस परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि उनके परिवारजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत। और इसी के साथ नाम पढ़ने की कार्यवाही पूर्ण। अब रक्षक दल द्वारा पुनः शहीद पुस्तिका माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त की जाएगी। शोक पुस्तिका लेकर वाहक गंभीर और गरिमा के साथ रक्षक दल के मध्य पहुंचते हुए अवसर के पूरे गंभीर और गरिमा के साथ शोक पुस्तिका स्मारक स्थल की ओर ले जाता हुआ रक्षक दल और इसी मध्य ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी की इस भावपूर्ण बैठकों पर वाहक दल शोक पुस्तिका पुलिस शहीद स्मारक स्थल की ओर लेकर पहुंचता हुआ, जहां सर्वप्रथम
माननीय मुख्यमंत्री जी अपने श्रद्धा सुमन हमारे अमर शहीद दिवंगत साथियों को अर्पित करेंगे। तत्पश्चात यहाँ उपस्थित शासन प्रशासन एवं पुलिस के सभी सम्मानित अतिथिगण एवं उच्च अधिकारियों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। मैं पूरे पुलिस परिवार की तरफ से आप सभी से अनुरोध करूंगी कि पुष्प चक्र अर्पण करने के लिए आप तत्पर हो। देवियों और सज्जनों, ये पुलिस शहीद स्मारक स्थल निरंतर हम सभी को त्याग और बलिदान की प्रेरणा देता रहेगा और पुलिस स्मृति दिवस के दिन पुलिस लाइन में हर विभाग फुल स्क्रीन फुल ड्रेस में रहेगा। इसमें नागरिक पुलिस पीएसी महिला पुलिस सभी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें शोक परेड का भी आज आयोजन किया गया है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज पुलिस स्मृति दिवस है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के पुलिस लाइन में मौजूद हैं। आपको बता दें आज होने वाली शोक परेड में भी वो शामिल होंगे। तो वहीं आपको बताते चले कानपुर के बिकरू कांड में शहीद होने वाले सभी 8 पुलिसकर्मी के परिवारों को भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मानित करेंगे, जिसको लेकर के सभी तैयारियां कर ली गई हैं। आपको बताते चले पुलिस स्मृति दिवस के दिन पुलिस लाइन में हर विभाग फुल ड्रेस में परेड करेगा। इसमें नागरिक पुलिस पीएसी महिला पुलिस जीआरपी फायर सर्विस यातायात पुलिस एटीएस और आरआरएफ एवं एसडीआरएफ की टीमें शामिल होंगी। इस परेड के लिए एक दिन पहले डीजीपी के साथ रिहर्सल भी करी गई। लखनऊ से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। शोक परेड में भी वो हिस्सा लेंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें 2019 से 31 अगस्त 2020 तक की अवधि में पूरे देश में 264 पुलिस जनों ने कर्तव्य की वेदी पर अपने जीवन की आहुतियां दी हैं। उन सभी को के परिवारों को आज सम्मानित भी किया जाएगा, उनको याद भी किया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय लखनऊ में मौजूद हैं। आपको बताते चले इसमें यूपी के 9 पुलिसजन शामिल हैं। पुलिस स्मृति दिवस पर इन सभी 9 पुलिसकर्मियों के परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। इनमें शहीद डीएसपी देवेंद्र मिश्रा, एसआई अनूप कुमार सिंह, महेश यादव, कांस्टेबल जितेंद्र कुमार पाल, सुल्तान सिंह, राहुल कुमार और बबलू कुमार का परिवार भी शामिल होगा। बीते 2 जुलाई को कानपुर के बिकरू गांव में दुर्दांत अपराधी विकास दुबे और उसके साथियों ने मिलकर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। इन्हीं शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के पुलिस लाइन में मौजूद हैं। आज पुलिस स्मृति दिवस
के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। पुलिस लाइन में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मिलित हुए हैं। दरअसल आज पुलिस स्मृति दिवस है और इसको लेकर के शोक परेड की तैयारी भी करी गई है। कानपुर के बिकरू कांड में शहीद होने वाले सभी 8 पुलिसकर्मियों के परिवार को भी आज सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ एक अन्य पुलिसकर्मी का परिवार भी सम्मानित किया जाएगा, जिसको लेकर के लखनऊ के पुलिस लाइन में सभी तैयारियां कर ली गई हैं। पुलिस स्मृति दिवस के दिन पुलिस लाइन में हर विभाग फुल ड्रेस में परेड करेगा। इसमें नागरिक पुलिस, पीएसी, महिला पुलिस, जीआरपी, फायर सर्विस, यातायात पुलिस, एटीएस, आरआरएफ एवं एसडीआरएफ की टीमें शामिल होंगी। आपको बता दें 1 सितंबर 2019 से 31 अगस्त 2020 तक की अवधि में पूरे देश में 264 पुलिसकर्मियों ने कर्तव्य की वेदी पर अपने जीवन की आहुतियां दी थी। इसमें यूपी के 9 पुलिसजन शामिल हैं। पुलिस स्मृति दिवस पर इन सभी 9 पुलिसकर्मियों के परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। इनमें शहीद डीएसपी देवेंद्र मिश्रा, एसआई अनूप कुमार सिंह, महेश कुमार यादव व नेबू लाल तथा कांस्टेबल जितेंद्र कुमार पाल, सुल्तान सिंह, राहुल कुमार, बबलू कुमार का परिवार शामिल होगा। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर सभी शहीद पुलिसकर्मियों को याद किया जा रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। पुलिस लाइन में हर विभाग के लोग इस समय मौजूद हैं। नागरिक पुलिस, पीएसी, महिला पुलिस, जीआरपी, फायर सर्विस, यातायात पुलिस, एटीएस सभी इस समय फुल ड्रेस में मौजूद है। आज शोक परेड का भी आयोजन किया जाएगा। तो वहीं जितने भी शहीद पुलिसकर्मी हैं उनके परिवार को सम्मानित किया जाएगा। पुलिस स्मृति दिवस को लेकर के एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसको लेकर के तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय लखनऊ के पुलिस लाइन में मौजूद हैं। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर कानपुर में शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार वालों को आज सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मानित भी करेंगे। 2 जुलाई को बिकरू कांड में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों को
आज याद किया जाएगा और उनके परिवार वालों को सम्मानित किया जाएगा। शांति आनंद प्राप्त।
वहाँ चल रहा हूँ कहाँ से ले लेंगे। बिक्रू पुलिस स्मृति दिवस के आयोजन के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सहयोगीगण, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, प्रदेश के मुख्य सचिव समेत सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व पुलिस महानिदेशकगण, सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, प्रदेश के सभी बहादुर पुलिस के जवानों, पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आज हम सभी देश के समस्त पुलिस जनों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए, देश के अंदर शांति और सौहार्द की स्थापना करने के लिए अपने आप को मातृभूमि के लिए बलिदान किया है। वर्ष 2019-20 में कर्तव्य की बलबेदी पर अपने प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों में उत्तर प्रदेश पुलिस के 9 बहादुर पुलिसकर्मी शामिल हैं। इस अवसर पर मैं शहीद पुलिसजन को श्रद्धांसुमन अर्पित करता हूं। हमारे जवान पुलिसकर्मियों का यह सर्वोच्च बलिदान हमें निरंतर कर्तव्य पथ पर पूर्ण निष्ठा, मनोयोग एवं दायित्व बोध के साथ आगे बढ़ने की निरंतर प्रेरणा देता रहेगा। मैं प्रदेश के शहीद पुलिसजन के परिवार के सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार उनके कल्याण तथा सुख सुविधाओं के लिए पूर्ण संवेदनशीलता के साथ सभी जरूरी कदम उठाने के लिए हमेशा तत्पर रही है और आगे भी रहेगी। प्रदेश सरकार द्वारा कर्तव्य पालन के दौरान शहीद पुलिस कर्मियों के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैन्य बलों, अन्य प्रदेशों के अर्धसैन्य बलों तथा भारतीय सेना में कार्यरत एवं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले 122 शहीद कर्मियों के आश्रितों को 26,95,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता विगत एक वर्ष के अंदर प्रदान की गई। इस सहायता में जनपद कानपुर नगर के ग्राम विक्रोह की घटना में शहीद हुए पुलिस कर्मियों के परिजनों को 50,00,000 रुपए के स्थान पर 1,00,000 रुपए की अनुग्रह धनराशि, अन्य लंबित समस्त देयकों का भुगतान सम्मिलित है।
प्रदेश के जनपद इकाइयों में नियुक्त पुलिस कर्मियों की सुख सुविधा हेतु 3 करोड़ रुपए, कल्याण हेतु 4 करोड़ रुपए, कार्यरत व सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों एवं आश्रितों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी 446 दावों के निस्तारण हेतु रुपये 44 लाख, 5 लाख रुपए से अधिक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी 6 प्रकरणों हेतु रुपये 3,66,00,000, 81 पुलिस कर्मियों एवं उनके आश्रितों को गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु तात्कालिक रूप से अग्रिम ऋण के रूप में रुपये 3,05,00,000, जीवन बीमा योजना के अंतर्गत बीमित 322 मृतक पुलिस कर्मियों के आश्रितों की सहायता के रूप में रुपये 6,26,00,000, 214 पुलिस कर्मियों एवं उनके आश्रितों द्वारा कराए गए उपचार से संबंधित रुपये 2,05,00,000 का भुगतान किया गया है। अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशिष्ट सेवाओं के लिए 12 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को राष्ट्रपति का पुलिस पदक, 144 अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। भारत सरकार गृह मंत्रालय के यूनियन होम मिनिस्टर के उत्कृष्ट सेवा पदक हेतु 520 एवं अति उत्कृष्ट सेवा पदक हेतु 1661 राजपत्रित और राजपत्रित चयनित अधिकारियों के नामों की सूची भारत सरकार को भेजी गई है। 5 राजपत्रित और राजपत्रित अधिकारियों कर्मचारियों को मुख्यमंत्री का उत्कृष्ट पुलिस सेवा पदक से भी अलंकृत किया गया है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा 88 पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह, 400 पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किया गया, 767 राजपत्रित और राजपत्रित पुलिस कार्मिकों को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक के प्रशंसा चिन्ह डीजी कमेंडेशन डिस्क से सम्मानित किया गया। हमारी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के मनोबल, कार्यकुशलता एवं व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विगत एक वर्ष में आरक्षी पुलिस के 49,568 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। इसमें से 14,000 रिक्रूटों को प्रारंभिक प्रशिक्षण 6 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ हो गया है। पुलिस विभाग के विभिन्न राजपत्रित पदों पर 1,292 कर्मिकों को पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश पुलिस में 685 उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, 14,000 आरक्षी पुलिस, तालिपिक संवर्ग के 154 पदों पर सीधी भर्ती के साथ साथ मृतक आश्रित के रूप में 81 विभिन्न पदों पर नियुक्त करते हुए कुल 14,920 शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को सेवायोजन प्रदान किया गया है। वर्तमान में पुलिस बल में उपनिरीक्षक के 9,027 पद तथा मृतक आश्रित के रूप में 566 पदों को सम्मिलित करते हुए 9,593 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रचलित है। राज्य सरकार की घोषणा के क्रम में 61 अग्निशमन केंद्र, 13 चौकी, 36 थाना, कुल 110 प्रशासनिक भवन, 35 ट्रांजिट हॉस्टल, 88 पुलिस महिला हॉस्टल, 30 पीएसी बैरक, 317 थानों पर हॉस्टल, कुल 470 अनावश्यक भवनों के निर्माण हेतु 1,260 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था को सुदृढ़ कर
जनमानस में सुरक्षा की भावना बलवती करना एवं अपराधियों में कानून का भय पैदा करना हमारी सरकार की प्रमुख नीति है। पुलिस बल की क्रियाशीलता एवं प्रभाव में अभिवृद्धि हेतु प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 21 नए पुलिस थानों एवं 9 नई पुलिस चौकियों की स्थापना की गई है। बेहतर रणनीति एवं समन्वय सुरक्षात्मक प्रबंधन द्वारा प्रदेश पुलिस ने कानून व्यवस्था की विभिन्न चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर शांति व्यवस्था एवं अपराध की स्थिति को सर्वथा नियंत्रित रखा है। हमारी सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न जनपदों में दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान 20 मार्च 2017 से 5 अक्टूबर 2020 की अवधि में कुल 125 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए, 2607 घायल हुए। इस कार्रवाई में पुलिस बल के 13 जवानों ने अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वीरगति प्राप्त की और 988 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। इस अवधि में 9578 पुरस्कार घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। वर्तमान में प्रदेश में कोई ऐसा संगठित अपराधी नहीं जो जेल के बाहर स्वच्छंद विचरण कर रहा हो। ऐसे अपराधी या तो जेल भेज दिए गए हैं अथवा गिरफ्तारी के दौरान आत्मरक्षार्थ पुलिस कार्रवाई में मारे गए हैं। इन कार्रवाई के दौरान अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन करते हुए पुलिस के नौजवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। पुलिस की इन कार्रवाइयों ने समाज में सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं, बालिकाओं, कमजोर वर्गों एवं व्यापारियों में सुरक्षा की भावना को और सुदृढ़ किया है। प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता तथा पुलिस के समन्वित प्रयासों से प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण कायम है। सभी वर्गों में आपसी सौहार्द एवं समरसता क्षुण्य है। सभी प्रमुख पर्व एवं आयोजनों को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराकर प्रदेश पुलिस ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। इसके लिए मैं पुलिस बल को बधाई देता हूं। प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों का उत्पीड़न रोकने, महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों को नियंत्रित करने, उन्हें यथावश्यक सहयोग प्रदान करने तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से महिला सम्मान प्रकोष्ठ, महिला सहायता प्रकोष्ठ 1090, महिलाओं से संबंधित लोक शिकायत में प्राप्त होने वाली शिकायतों को सम्मिलित कर महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की स्थापना की गई है। जनपद लखनऊ, बदायूं एवं गोरखपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस बल की 3 महिला बटालियन हेतु 3786 पद सृजित कर गठन किया गया है। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के उद्देश्य से प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान संचालित किया जा रहा है। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन से प्रारंभ मिशन शक्ति अभियान प्रदेश में आगामी चैत्र नवरात्रि तक चलेगा। प्रदेश के समस्त माननीय न्यायालयों में पास्को अधिनियम एवं महिला तथा बाल अपराधों से संबंधित प्रकरणों में शीघ्रतम एवं कठोर कार्रवाई के साथ ही अभियोगों का विचारण कराने के लिए समस्त जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक अपने जनपद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के साथ मॉनिटरिंग सेल की बैठक आयोजित कराकर कार्ययोजना को क्रियान्वयन करेंगे। इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु एंटी रोमो स्क्वाड द्वारा अनवरत अभियान चलाया जा रहा है। इससे महिलाओं, विशेषकर छात्राओं, बालिकाओं में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ हुई है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है। इस बल का मुख्य उद्देश्य धार्मिक, न्यायिक एवं महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के साथ ही व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करना है। यह बल उच्च कोटि की व्यावसायिक दक्षता से सुरक्षा के कार्यों का निर्वहन करेगा तथा व्यावसायिक कुशलता से राज्य हेतु अर्जन की क्षमता भी रखेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस
और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय के स्थापना के स्थापना के जाने हेतु 6 मार्च 2020 को शासकीय अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य फॉरेंसिक विज्ञान, व्यवहार विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन के क्षेत्र में अत्याधुनिक शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना करना, अपराध मामलों की जांच, प्रबंधन एवं संचालन में आवश्यक प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता उत्पन्न करना, प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करना और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों को एकत्रित करना है। विवेचनाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने एवं अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने के उद्देश्य से सभी परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया था। इस क्रम में जनपद गाजियाबाद, जनपद झांसी में विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, जिसका शीघ्र लोकार्पण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 6 अन्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के भवन निर्माणाधीन है, जिन्हें शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। वैश्विक महामारी कोविड-19 से प्रभावी ढंग से निपटने में प्रदेश पुलिस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस महामारी से निपटने में प्रदेश पुलिस द्वारा किए जा रहे उल्लेखनीय योगदान के लिए मैं सभी पुलिस कार्मिकों का अभिनंदन करता हूं। प्रदेश में अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसने के लिए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 34,217 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 596 करोड़ रुपए मूल्य की चलाचल संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इससे समाज में एक बेहतर संदेश गया है। इस अवधि में एसटीएफ द्वारा न सिर्फ संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, अपितु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करते हुए आर्थिक अपराधों पर भी प्रभावी नियंत्रण किया गया है। एसटीएफ द्वारा 313 सराहनीय कार्य किए गए, जिनमें 11 दुर्दांत पुरस्कार घोषित अपराधी साहसिक मुठभेड़ में मार गिराए गए, 648 कुख्यात व इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों, वन्य जीव अपराधियों एवं साइबर क्राइम से जुड़े आपराधिक गिरोहों को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ द्वारा प्रोएक्टिव कार्रवाई करते हुए 45 से अधिक जघन्य अपराधियों आपराधिक घटनाओं की योजनाओं को विफल किया गया। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की व्यवसायगत दक्षता एवं सफलताओं के दृष्टिगत देश के कई अन्य राज्यों ने भी इसका अनुसरण करते हुए अपने यहाँ एसटीएफ का गठन किया है। एटीएस द्वारा विभिन्न एजेंसियों के साथ निरंतर एवं निकट समन्वय बनाए रखते हुए प्रदेश में आतंकी संगठनों को पांव जमाने का कोई अवसर नहीं दिया गया। इसकी परिणति यह रही कि अप्रैल 2017 से अब तक प्रदेश में कोई भी आतंकी घटना घटित नहीं हुई। शासन स्तर से चिन्हित 25 तथा पुलिस मुख्यालय स्तर पर चिन्हित 8 माफिया अपराधियों एवं उनके गिरोहों के सदस्यों और सहयोगियों के विरुद्ध प्रदेश में प्रभावी कार्रवाई की गई है। इसके अंतर्गत अब तक 150 से अधिक शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए, माफियाओं के 200 से अधिक सहयोगियों के विरुद्ध गिरफ्तारी, गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट, शस्त्र अधिनियम एवं अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में 300 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की सरकारी संपत्ति को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के साथ साथ उनके ध्वस्तीकरण और जब्तीकरण की कार्रवाई भी की गई है। पुलिस मुख्यालय द्वारा विकसित मोबाइल कम्युनिकेशन प्लान सी प्लान ऐप को नियमित एवं निरंतर प्रयोग मुख्यालय एवं जनपद अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। इस ऐप से लगभग 10 लाख संभ्रांत व्यक्ति जुड़े हैं। किसी भी स्रोत से प्राप्त प्रत्येक सूचना का सत्यापन इस ऐप से जुड़े संबंधित क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों से किया जाता है। इससे निष्पक्ष एवं वास्तविक स्थिति ज्ञात करने में मदद मिलती है। यूपी 112 अभिसूचना मुख्यालय से प्राप्त सूचनाओं के साथ साथ सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म की पोस्ट का अनवरत संज्ञान लिया जाता है। भ्रामक पोस्ट या ट्वीट का खंडन करते हुए वास्तविक स्थिति को
संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संप्रेषित किया जाता है। इस त्वरित कार्रवाई के परिणाम स्वरूप किसी भी भ्रामक अथवा विद्वेष फैलाने वाली पोस्ट या ट्वीट को वायरल होने से सफलतापूर्वक रोका जा सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश पुलिस के सभी सदस्य पूरी ईमानदारी, कर्तव्य परायणता तथा जनसेवा की भावना से कार्य करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता के मन में सुरक्षा की भावना को और अधिक सुदृढ़ करने में सहयोग करेंगे। कर्तव्य पथ पर प्राणोत्सर्ग करने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस के वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी का यहां रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।